तो बिग बॉस हाउस में ग्रैंड फिनाले का शानदार धूम धड़ाका चल रहा है, जैसे बिग बॉस के सारे लोग बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फ्लिक्स अनपैक्ड पर। जैसे ही आप सब देख रहे हैं कि बिग बॉस हाउस में आके ग्रैंड फिनाले शुरू हो चुका है, सबके दिल की धड़कन बढ़ी हुई है। आखिर बिग बॉस हाउस का विनर आखिर होने वाला कौन है? ज्यादातर बिग बॉस हाउस में से डिजर्विंग लोग निकल चुके हैं, जिनका एक्चुअल में लगता था कि वो बिग बॉस जीतने लायक है, बट नहीं, हम पूरी तरह से गलत थे। बिग बॉस हाउस में से कटारिया, शिवानी, अरमान मलिक, विशाल बाहर हो चुके हैं और इन लोगों का पूरा पूरा चांस है बिग बॉस में आखिर तक रुकना, बट ये लोग अब बिग बॉस हाउस में से बाहर निकल चुके हैं, जिसे पब्लिक पूरी तरह से बौखलाए गई है। विशाल, शिवानी और कटारिया का ये कहना है कि उन लोगों के साथ चीटिंग हुई है और बिग बॉस हाउस पूरी तरह से स्क्रिप्टेड है। इन लोगों ने इंटरव्यू में साफ साफ बोल दिया है कि हम लास्ट तक जाना डिजर्व करते थे, बट हम बहुत अच्छे से परफॉर्म भी कर रहे थे। पहले बिग बॉस हाउस में से विशाल निकला, उसके बाद शिवानी और उसके बाद कटारिया। क्या हम बोल सकते हैं कि ये बिग बॉस सही में स्क्रिप्टेड है? जहाँ तक चांसेस थे, शिवानी जी सकती थी क्योंकि उनकी सपोर्ट में बहुत सारी जनता थी। इन तीनों का बिग बॉस हाउस में बहुत अच्छा बॉन्ड होने की वजह से ये बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे, बट हाँ, ये लोग बाहर आके भी मिले हैं। अब बिग बॉस हाउस में वो घड़ी आ जाती है जहाँ सारे बिग बॉस हाउस के मेंबर जो बिग बॉस हाउस के बाहर हो गए थे, उनसे सवाल किए जाते हैं कि बिग बॉस हाउस के अंदर वाले मेंबर के लिए बाहर वाले मेंबर क्या सोचते हैं। तो बाहर वाले मेंबर में हमें सब देखने को मिलते हैं, पायल मलिक, अरमान मलिक, पौलमी, शिवानी, कटारिया, दीपक। तो अब अनिल कपूर शिवानी को पूछते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि टॉप 5 में यहाँ रहना कौन डिजर्व नहीं करता? तो शिवानी ने साफ साफ बोल दिया था कि कृतिका भाभी टॉप 5 डिजर्व नहीं करती, इनकी परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं थी। और ये सेम बात दीपक जी ने, कटारिया ने, विशाल ने भी और पौलमी ने भी यहाँ तक बोल दिया था कि अभी जो यहाँ बैठे हैं इनमें से बहुत से लोग टॉप 5 में आना डिजर्व करते थे, जैसे कि वो पहले तो खुद की बात कर रही थी। बट हाँ, हम कह सकते हैं कि पौलमी का परफॉर्मेंस घंटा ही बढ़िया नहीं था, वो जब देखो लोगों को पकाते ही रहती थी लिटरली, जिसका कोई मतलब ही नहीं था। अरमान मलिक ने नेजी का नाम लिया था, उनका कहना था कि ये कुछ भी नहीं कर रहा था अभी तक बिग बॉस हाउस में, ये बहुत ज्यादा लेजी है और ये बस खाने की ताक में रहता था, ये कैसे टॉप 5 डिजर्व करता है? ये बात बहुत ज्यादा ही अजीब थी। और अरमान मलिक ने सना मकबूल के बारे में भी यही बोला है कि ये दोगली है, ये बार बार अपनी बातों से पलट जाती है, इसे सेंस नहीं है बातें करने की। एक बार जब बिग बॉस हाउस में अरमान मलिक का सना मकबूल और विशाल के साथ लड़ाई हो गई थी, तब अरमान मलिक ने सना और विशाल को कहा था कि तुम्हारे जैसे लोगों को तो मैं अपने पास काम के लिए रख लेता हूँ, जो कि बहुत ज्यादा इंसल्टिंग फील करवाने वाली बात थी। अरमान मलिक ने लिटरली सना मकबूल और विशाल से बहुत ज्यादा बदतमीजी से बात की और लड़ाई भी की थी। अरमान मलिक को विलन ऑफ द हाउस टैग भी मिल चुका है क्योंकि वो सबसे बदतमीजी से और लड़ाई से बात करते हैं। बट हाँ, मानना पड़ेगा बिग बॉस हाउस में आज तक अरमान मलिक ने रणवीर, शौर्य और साई केतन से कभी भी लड़ाई नहीं की, इनका बॉन्ड सही में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा था। तो अरमान मलिक ने विशाल को थप्पड़ मारा, सना मकबूल से झगड़ा किया, सना सुल्तान और कटारिया से तू तड़ा की नेजी से झगड़ा किया, जो की रेयर है। इसे कह सकते हैं कि अरमान मलिक पब्लिक में अपनी छवि बनाना चाहते थे ताकि वो भी झगड़ों की सुर्खियों में ज्यादा आए। आज के लिए इतना ही तमाशा, मिलते हैं अगले तमाशे में, क्योंकि तमाशे कभी खत्म नहीं होते हैं। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।